भुरकुंडा आदर्श क्षेत्रीय चिकित्सालय में सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हाई रैंक लाने वाले छात्र को सम्मानित किया गया। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा आदर्श क्षेत्रीय चिकित्सालय में सीबीएसई बोर्ड बरगाखाना डीएवी व उरीमारी डीएवी दसवीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता डॉक्टर नदीम अनवर एवं संचालन डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब ललन प्रसाद ने किया। सम्मानित समारोह में मुख्य अतिथि भुरकुंडा परियोजना पदाधिकारी मनोज पाठक, बरगाखाना डीएवी के प्राचार्य मुस्तफा माजिद एवं उरीमारी डीएवी के प्राचार्य शामिल हुए और शिक्षा के प्रति मोटिवेशन कर बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड बरगाखाना डीएवी के छात्र उमर फारूक पिता मोहम्मद फारूक रजा ने 10th में 95.8% प्राप्त की। वहीं उरीमारी डीएवी से माही गुप्ता 96.4% लाकर विद्यालय सहित सीसीएल बरकासियाल रामगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। डॉक्टर नदीम, डॉक्टर अफ्ताब, इस प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था मिलने के लिए पाठक सर से, प्रिंसिपल उरीमारी से। द कॉन्सेप्ट ऑफ जो था कि बच्चों को फेलिसिटेट करना, इनके लिए ये काफ़ी मोटिवेशन है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप अप्रिशिएट होते हैं इतने सारे लोगों के बीच में, तो आपको एक मोटिवेशन का साइन मिलता है कि ठीक, मुझे और आगे करना है। पाठक सर ने भी कहा कि अब ये इससे ज़्यादा ही बेहतर करेंगे। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, खासतौर से कंग्रेचुलेशंस टू माही एंड उमर फॉर अ वंडरफुल रिजल्ट। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम। सर, जो बच्चे आपके बरगाखाना से आज टॉप किए हैं रामगढ़ जिले में, आज पूरा रामगढ़ जिला सहित विद्यालय का नाम रोशन किया है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी है जो किसी कारण पीछे रह गए हैं, उन लोग के लिए क्या जागरूक करना चाहते हैं? अच्छा, पीछे नहीं रह गए, वो भी इसी में है, वो भी अच्छा किए हैं, बस थोड़ी सी मार्क्स की है फिर इधर उधर हो गई, जो मार्क्स से कम हो गए, बाकी उन्होंने भी अच्छे रिजल्ट किया है, अब वो आगे और भी अच्छा करेंगे। लोग वहाँ पे ये नहीं जानते थे कि डीएवी में क्या होते थे, लोग डरते थे, लोग समझते थे कि वहाँ पे डीएवी में जाने से अंग्रेजी बोलने पड़ेगा, डीएवी में जाने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहाँ के पेरेंट्स जब यहाँ आते थे तो फर्श में बैठ जाते थे कि कुर्सी में नहीं बैठना चाहते थे। आज उस जगह से हमारा हर एक साल 96, 97, 98% के टॉपर होकर बच्चे निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, गौरव की बात है। और उतना ही नहीं, आज मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरा आस पड़ोस क्षेत्र में जितने भी परिवार है, सभी परिवारों में एक दो डॉक्टर इंजीनियर आज मैं पैदा कर दिया, ये मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इनका जो मार्गदर्शन और सावधान बच्चों के बारे में हम लोगों ने सुना, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मैसेज जो है हमारे कोयलांचल परिवार के लिए है। और इस उत्साहवर्धन कार्यक्रम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे भावी पीढ़ी के बच्चों में भी जाएगा, जो बच्चे अगले साल के लिए अभी से जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उनके बीच मैसेज जाएगा, तो अभी से आपस में एक प्रतिस्पर्धा का भाव महसूस करेंगे कि हमें भी ये मौका दोबारा मिले। बाकी हमारे प्राचार्यों का जो कुशल मार्गदर्शन है इस कोयलांचल के बच्चों के लिए हमेशा ही एक काबिले तारीफ रहा है। और हमारे बच्चे यहाँ से निकलकर अच्छी अच्छी जगहों पर गए हैं और हमारे भुरकुंडा और साथ ही साथ पूरे बरगाखाना क्षेत्र के बच्चों का काफ़ी नाम रोशन करते रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो प्राचार्य महोदय है, उनका जो योगदान है, उनकी पूरी शिक्षक परिवार की जो टीम है, सभी को मेरे तरफ से साधुवाद। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।